हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। मैं हर्षित आनंद आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं डब्ल्यू बी जेई काउंसलिंग 2024 के रिगार्डिंग, क्योंकि इसके रिगार्डिंग काफी क्वेश्चन आ रहे थे कब होने वाली है काउंसलिंग की एक्सपेक्टेड डेट या फिर जो टेंटेटिव डेट है काउंसलिंग, लाइक काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन था हम सबके बीच और काफी सारे क्वेरीज भी इसके रिगार्डिंग आ रहे थे। तो आज किस वीडियो में हम काउंसलिंग डेट को लेकर बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो डब्ल्यू बी जेई का काउंसलिंग सबसे पहले ये कंडक्ट किया जाएगा डब्ल्यू बी जेई का जो ऑफिशियल साइट है डब्ल्यू बी जेई nic.in पे, और जो काउंसलिंग डब्ल्यू बी जेई 2024 का होगा वो 15th जुलाई है ना, 15th जुलाई से स्टार्ट होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम 15th जुलाई। और साथ में मैं कुछ और भी आपको अपडेट देता चलूँ इस वीडियो में कि काउंसलिंग प्रोसेस जो होगा वो वेरियस स्टेप्स में डिवाइडेड होता है, उस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है, वो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। लाइक रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, फिर चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग है ना, जो अलॉट हुआ आपको कॉलेज कैसे अलॉट होगा, तो वो आपके रैंक लिस्ट के बेसिस पे अलॉट होगा, यानी कि जो आपका स्कोर कार्ड होगा उसके बेसिस पे आपको सीट अलॉट होगा, और जिस कॉलेज में आपका सीट अलॉट हुआ वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होगा। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको और भी बता दूँ कि आपको जो काउंसलिंग से पहले आपने डब्ल्यू बी जेई का जो रिजल्ट है वो तो डाउनलोड कर लिया होगा स्कोर कार्ड, अब क्या करना है आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लेनी है ना, प्रायोरिटी लिस्ट कॉलेजेस की, कौन सा आपका पहला है प्रीफरेंस के बेसिस पे है ना, प्रीफरेंस के बेसिस पे एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है आपको कॉलेजेस की। और उसके बाद जो काउंसलिंग होगा वो 3 rounds में होगा है ना, काउंसलिंग 3 rounds में होगा। तो ऐसा नहीं कि पहले राउंड में नहीं हुआ तो लाइक आपको होप लूज करना है, 3 rounds में काउंसलिंग होगा, और जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ रहा है उससे आपको क्या करना है, मैच कर लेना है। लाइक एक कंपैरिजन आप कर सकते हो है ना, कि कितने रैंक में कौन सा कॉलेज मिल सकता है उसका आप कंपैरिजन कर लो है ना, और उसके बाद आपको प्रॉपर काउंसलिंग करना है। उसमें जो हमारी कॉलेज टू कैंपस की टीम है वो भी आपका ऑनेस्टली हेल्प करेगी। हमने ये स्टार्ट ही इसलिए किया ये ऑर्गेनाइजेशन ताकि आपको हम ऑनेस्टली हेल्प करें, बिना बायस्ड हुए हेल्प कर सके। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि डायरेक्ट एडमिशन भी चल रहा है जितने ये कॉलेजेस हैं, अगर आपका रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं रहा तो ये जितने भी कॉलेजेस हैं इन सब में चल रही है डायरेक्ट एडमिशन, और कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस में, कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज में चल रही है डायरेक्ट एडमिशन, वो भी विदाउट डोनेशन। तो आपको एक्स्ट्रा डोनेशन पे करने से बचना है, आपको एक्स्ट्रा डोनेशन पे नहीं करना है। और जो मैंने आपको बोला कि आप रैंक्स के साथ प्रीवियस ईयर में लाइक कौन सा कॉलेज कितने रैंक पे मिल रहा था है ना पास्ट ईयर में, उससे आप एक कंपैरिजन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बोला है कंपैरिजन, वो कंपैरिजन आप करने के बाद आपको काफी ज्यादा क्लियरिटी भी मिल जाएगा। तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप हमारी टीम कॉलेज टू कैंपस से कांटेक्ट कर सकते हो है ना, डब्ल्यू बी जेई उन सब में भी चल रही है डायरेक्ट एडमिशन, तो उसके लिए भी आप हमारी टीम कॉलेज टू कैंपस से कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम वहां पे भी आपके हेल्प के लिए अवेलेबल है। आप हमारी ऑफिस जो हमारी कोलकाता ऑफिस है, कोलकाता ऑफिस वहां भी विजिट करके फिजिकल मोड में भी हम में से मिल सकते हो और जो भी आपका क्वेरी है वो डिस्कस कर सकते हो। edutech1211@gmail.com ये हमारी ईमेल आईडी, 9907943650 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर। आप हमें इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप हमें कॉल भी कर सकते हो, हमारी जो टीम है वो 24/7 आपके हेल्प के लिए अवेलेबल रहेगी। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे काफी जगह ऐसा हो रहा है कि स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा डोनेशन दे के आ रहे हैं है ना, काफी ज्यादा अमाउंट में, तो उससे बचना है। आप जो भी रियलिटी है वो हमारी टीम के साथ डिस्कस कर लो, हम बायस्ड हुए बिना आपसे सब कुछ शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।